अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम देखने पहुंची महिला जब घर लौट रही थी तो उसके साथ शराब के नशे में 3 युवकों ने छेड़छाड़ किया और विरोध करने पर बाइक में बैठा कर ले जाने लगे, लेकिन महिला की सार्थकता के चलते बड़ी घटना टल गई। महिला किसी तरह भागकर पास ही बच रहे डीजे के पास पहुंची और पूरी घटना मौजूद लोगों से बताई, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। पीड़िता पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। दरअसल मामला रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र का बताया जाता है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर छेड़छाड़ अपहरण करने का प्रयास करने वाले आरोपी धनराज लोनिया, पवन लोनिया और लल्लू लोनिया निवासी गुड़ वार्ड क्रमांक 15 के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि अभी भी उसे धमकी दी जा रही है, अगर वह शिकायत करने थाना पहुंची तो अंजाम ठीक नहीं होगा। पीड़िता ने थाने में भी लिखित आवेदन दिया, लेकिन उसके बताए अनुसार FIR दर्ज नहीं की, जिसके चलते पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। हालांकि जांच के बाद ही पूरे मामले में क्या सच्चाई है इसका खुलासा हो पाएगा। आइए सुनते हैं पीड़िता का क्या कहना है। और हमारे साथ ये घटना हुई है कि घर में माता जी विराजे थे, चंदा जोर जोर सभी लोग मिल के, फिर उसको वहाँ गए शेरवाने साथ में सभी लोग डांस करने गए, तो फिर हमारे सास ससुर ने संदेश दिए कि बच्चा सोता था, सोते में जाग आया, हमारे बहू को भेज देना तो घर चली आई। घर जब मैं वापस लौट रही थी तो 3 लोग मेरे को छेड़ रहे थे, पकड़ रहे थे गाड़ी में बैठाने के कारण, तो मैं कूद काद के झिटिक नोच नोच खरबोट के भाग करी। कौन लोग थे वो? थे धनीराज, पवन और एक जनाओ थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये? यहीं के है, गुड़वा के 15 वार्ड के लोनिया है। घटना कहाँ पर आपके साथ? यहीं हुई है गुड़वा में। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? शिकायत गुड़ में। गुड़ था नहीं है? जी। वहाँ पर? वहाँ कोई नहीं सुना सर, जिस दिन ये घटना हुई थी उसके रात में गए 9 बजे, फिर उसके रात कुछ नहीं बोले, ना रिपोर्ट कर रहे हैं तो भी नहीं सुन रहे थे, फिर उसके सुबह गए 10 बजे, फिर नहीं बोले कि जांच हुए के बाद तुम्हारा कागज मिलेगा, फिर नहीं मिला, फिर हम यहाँ वापस आए। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।